स्वागत है एक बार आपका फिर से आज की इस वीडियो में। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे हाउ टू चूज़ बेस्ट कलर फॉर योर डिज़ाइन। आप अपने डिज़ाइंस के लिए, आप अपने ब्रांड्स के लिए बेस्ट कलर और कलर कॉम्बिनेशन कैसे चूज़ कर सकते हो, वो हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, आप किसी भी डिज़ाइनिंग फील्ड से हों, चाहे आप ग्राफिक डिज़ाइनर हों, वेब डिज़ाइनर हों, फैशन डिज़ाइनर हों, टेक्सटाइल डिज़ाइनर हों, या फिर आप ऑटोमेटिव डिज़ाइनर हों, आपको कलर कॉम्बिनेशन जैसी चीज़ हमेशा फेस करनी पड़ती है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कलर कॉम्बिनेशन को आप कैसे सॉल्व कर सकते हो उस प्रॉब्लम को। फ्रेंड्स, कलर के माध्यम से आप किसी भी चीज़ का प्रेफरेंस, एज और जेंडर जान सकते हो। जैसे कि आपने देखा होगा, जो बेबीज़ होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी टी शर्ट्स, उनका जो भी उनका वियर, अगर उनका जो कपड़ा है वो डिज़ाइन होता है तो वो बहुत ही सॉफ्ट और लाइट कलर से डिज़ाइन होता है। ऐसा नहीं होता कि बहुत उसको बिल्कुल डार्क रेड उसका कलर हो, या फिर डार्क ब्लू हो, या फिर डार्क येलो हो, इस तरह के कलर उसमें यूज़ नहीं किए जाते। और जैसे कि जेंडर, जैसे कि जो पुरुष होते हैं वो पिंक कलर को लाइक करते हैं, क्योंकि पिंक कलर जो है फेमिन कलर है। ये सारी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, इससे आपको किसी भी चीज़ का प्रेफरेंस, और जैसे मैंने आपको बताया, प्रेफरेंस, एज और जेंडर आप जान सकते हो। तो कुछ कंटेंट से सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ कलर थ्योरी। कलर थ्योरी क्या है? मैंने ये ऑलरेडी यूट्यूब पे ये वीडियो अपलोड की हुई है, जिसका आप ये थंबनेल देख सकते हैं, और आप आई बटन पे क्लिक कर इसको वॉच कर सकते हैं, जहां आप जानेंगे कलर क्या होते हैं और सेकेंडरी कलर कौन सा होता है, प्राइमरी कलर कौन से होते हैं, किस कलर को मिलाकर कौन सा कलर बनता है, और हॉट कलर कौन से होते हैं, कूल कलर कौन से होते हैं, कौन सा कलर किसके अपोजिट होता है, ये सारी चीज़ें आप उस वीडियो में जानेंगे। फिर सेकेंड लेवल की अगर हम बात करें तो अगला है आपका कलर मूड्स एंड इमोशंस। हर एक कलर किसी ना किसी भावना से, एक इमोशन से जुड़ा हुआ है, एक मूड से जुड़ा हुआ है। तो हम बात करेंगे वो कौन सा कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखनी होती हैं। जस्ट लाइक अगर आप कोई भी डिज़ाइन बना रहे हो, तो पहले आप उसका सब्जेक्ट चूज़ करते हो कि आप जिस चीज़ का भी डिज़ाइन बना रहे हो वो किस फील्ड का है, और आपको उसमें कौन कौन से कलर चूज़ करने चाहिए। देखिए, ये कुछ कलर्स हैं और इसकी मैंने आगे मूड्स लिखे हुए हैं, जैसे कि ऑरेंज। ऑरेंज कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, ये सारी चीज़ हमें पता होना चाहिए, ताकि आपको ये पता लगे कि आप ऑरेंज कलर का जो यूज़ करने जा रहे हैं वो वाकई में आपको इस ब्रांड में या इस डिज़ाइन में करना चाहिए या नहीं। तो अगर आपका जो डिज़ाइन है वो इसके लिंक्ड है, इसके अगर इसकी भावनाओं से अटैच है, तो आपको ऑरेंज कलर उसमें यूज़ करना चाहिए। जैसे कि ऑरेंज जो कलर है वो उत्साह, ऊर्जा, स्नेह, रचनात्मक और उत्तेजना जैसी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल, जो हमारा फ्लैग्स है उसमें भी आपने देखा हो, जो केसरी कलर है वो मतलब वीरता का कलर है ना, उत्साह का कलर है, ऊर्जा का कलर है। अगर हम बात करें येलो कलर की, तो येलो कलर हैप्पीनेस, जैसे कि खुशी, ऊर्जा, निष्ठा, खतरा और अस्वीकृति। आपने देखा होगा किसी चीज़ की जब कोई वार्निंग आती है, हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, या फिर कहीं जो रोड्स पे जो वैरियल्स होते हैं, रोड पे जो कॉशंस निशान होते हैं, वो भी आई थिंक येलो कलर के ही होते हैं, और येलो कलर जो है खतरे का निशान को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो आपको येलो का कलर कहाँ यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें आपको इसके मूड्स के अकॉर्डिंग देखना चाहिए। फिर है आपका ग्रीन। ग्रीन जो कलर है वो शीतल, सुरक्षा, सद्भावना, स्थिरता, चतुराई, प्रजनन क्षमता, शक्ति, क्रियाशील, ताजगी और सकारात्मक जैसी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। हमारे घर में जो भी इन्वर्टर्स और जो भी यूपीएस वगैरह होते हैं, उसमें जब ये पता चलता है कि वो एक्टिव है, वो चालू है, तो उसमें ग्रीन कलर की लाइट जलती है। इसका मतलब वो क्रियाशील है, वो कंटिन्यू चल रहा है। जब हम उसको ऑफ कर देते हैं तो शायद वो लाइट रेड या फिर बिल्कुल ऑफ हो जाती है। ठीक है, तो ये कलर के मूड्स हैं जिससे आप ये पहचान सकते हो कि आपका जो फील्ड है वो किससे लिंक्ड है, और आपको इसमें ग्रीन कलर का यूज़ करना चाहिए या नहीं। अगला है आपका पिंक कलर। जैसा आप जानते हैं, पिंक कलर शांति का और स्थिरत्व कलर है, यानी कि फेमिन कलर है। आपने देखा होगा जो भी लेडीज़ ब्रांडर्स होती हैं, जो भी कॉस्मेटिक्स, जैसे जो लेडीज़ कॉस्मेटिक वाली चीज़ें होती हैं, वो ज़्यादातर पिंक कलर में ही बनी होती हैं। अगला है रेड। रेड जैसे कि भावनात्मक, जुनून, खतरा, प्यार, इच्छा, ध्यान खींचना, चिन लेवल, रक्तचाप, ऐसी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, प्रदर्शित करता है। जैसे कि भावनात्मक, यानी कि हमारा जो रिलेशन होता है, वो कहते हैं खून का रिश्ता, तो ब्लड जो है भावनात्मक कलर है, और पैशनेट कलर है, और कॉशन खतरे का भी कलर है। आपने देखा होगा कहीं डेंजरस लिखा होता है तो वो रेड कलर से ही होता है। और किसी चीज़ का अगर कोई चीज़ ध्यान खींचने वाली चीज़ होती है, जैसे कि पार्किंग हेयर, कोई चिन्ह होता है किसी चीज़ का, आपको टर्न करना, ये सारी चीज़ें भी आपको रेड कलर से ही मिलेंगी। और रेड कलर का मोस्टली आपने देखा होगा एक रक्तचाप, जैसे मैंने लिखा है लेवल, जैसे किसी चीज़ को हम बढ़ाते हैं, जैसे अगर मान लीजिए आपका रूम का टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है, तो वो जो उसके अंदर जो कलर होगा वो रेड होगा, और वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ेगा, तो इसका मतलब आपका टेम्परेचर बढ़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर
आप इस इमेज में देख सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमारे सर में दर्द बढ़ रहा है, अगर हमें ये शो करना है कि हमारे सर में दर्द बढ़ रहा है, तो वो ग्रीन या येलो या फिर ब्लू नहीं होगा, वो रेड कलर से ही शो होता है। अब मेरे घुटने में दर्द बढ़ रहा है या फिर कोई भी किसी चीज़ का खतरा बढ़ रहा है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई चार्ट बनाते हैं उसमें हमें ये दिखाते हैं कि ये चीज़ फैल रही है, बढ़ रही है, तो वो रेड कलर से ही शो की जाती है। तो फ्रेंड ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप इसको बेसिकली डीपली जब समझेंगे तो आपको ये पता चलेगा। अगला है पर्पल कलर, जो कि रॉयल्टी, उत्तम जीवन और अच्छे विचारों को प्रदर्शित करता है। ठीक, फिर है ब्लू कलर, महिला, जो ब्लू कलर है वो महिला एवं पुरुष दोनों का पसंदीदा कलर है। इसमें ईमानदारी और भरोसा जैसी वाली चीज़ों को ये रिप्रेजेंट करता है। फिर अगला है आपका ग्रे, गंभीरता और नियंत्रण। जब भी हम कोई एक ग्राफ बनाते हैं और हमें ये दिखाना होता है कि इतना हमने कंप्लीट कर लिया, तो उसको हम ग्रे कलर से प्रदर्शित करते हैं ताकि ये रिप्रेजेंट हो पाए कि इतनी चीज़ हमने कवर कर ली। फिर अगला कलर है आपका ब्लैक, जैसे ये ब्लैक का जो कलर मोड्स है वो है शक्ति, भय, रहस्य, अधिकार, मृत्यु और विद्रोह। ठीक है, अगर आपको किसी चीज़ का विद्रोह करना है, जैसे आपने देखा होगा अगर हम किसी चीज़ को अस्वीकृति करते हैं, हम किसी चीज़ को किसी चीज़ का अगर हम विद्रोह करते हैं, तो वो ब्लैक फ्लैग से दर्शाया जाता है। और अगला है आपका ब्राउन, जैसे कि ब्राउन जो पृथ्वी है, हमारे पृथ्वी का जो कलर है वो ब्राउन है, लकड़ी का जो टेक्सचर होता है वुड वो ब्राउन है, पत्थर जैसे मटेरियल वाली चीज़ जो है वो हम ब्राउन से दिखाते हैं, और ब्राउन जो है हॉट कलर भी है, गर्मी जैसी चीज़ों को भी दिखाते हैं। और किसी चीज़ की अगर फाउंडेशन है, जैसे कि हमें किसी चीज़ को फाउंडेशन नींव दिखानी है, और ये विश्वसनीयता भी वाला भी कलर है। तो फ्रेंड ये तो आपने जाना कि कौन सा कलर क्या रिप्रेजेंट करता है, मगर इससे हमारे जो कलर कॉम्बिनेशन वाली चीज़ है वो अभी सॉल्व नहीं होती। तो अगला हम बात करते हैं, जैसे हमने भी बात कर लिया कलर मोड्स की, और फ्रेंड्स ये जो कलर मैंने आपको बताया ये पीडीएफ में भी आपको मिल जाएगी, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से इसको डाउनलोड कर सकते हो। अगला है आपका हाउ टू चूज़ बेस्ट कलर, आप अपने ब्रांड के लिए बेस्ट कलर कैसे चूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड इसके लिए हम जो यूज़ करेंगे, जैसे कि बहुत से लोगों को जो ग्राफिक के जो प्रिंसिपल्स हैं, ये सारे रूल रेगुलेशन हैं, ये नहीं पता होता डायरेक्टली हम जब डिज़ाइन बनाते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको एक ऑनलाइन टूल है, जैसे आप गूगल पर जाएंगे और यहाँ आप क्लिक करेंगे SCHEME स्कीम COLOR स्कीम कलर .com। ठीक है, ये आपको पहले ही लिंक को ओपन करना है। ये आपको बिल्कुल सिंपल से एक इंटरफेस दिखने वाला है, और ये बहुत ही कमाल की वेबसाइट है। और मैं आपको बताऊं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोई भी डिज़ाइन बना रहे हैं, आप कोई भी टी शर्ट डिज़ाइन कर रहे हैं, आप किसी भी तरह का डिज़ाइन कर रहे हैं, टेक्सटाइल डिज़ाइनर हैं अगर आप, तो आपको इसमें लिखना है FASHI फैशन। ठीक है, अब आप इसका रिजल्ट देखिए, आपको फैशन के रिलेटिव कैसे कैसे कलर स्कीम मिल जाएंगे, हाई एंड फैशन, फैशनेबल लेट, ओल्ड फैशन, ठीक है, फैशन साड़ी, तो ये सारी आपको कलर स्कीम्स मिलती हैं, जिस पर आप क्लिक कर ठीक है उसकी वैल्यू जो उसकी सी उसको आप देखिए कलर को एडिट भी कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो कलर है, मैंने इस पर क्लिक किया और मैं इसको थोड़ा सा डार्क करना चाहता हूँ, तो मैं इसको यहाँ से ऐसे थोड़ा सा डार्क भी कर सकता हूँ। ठीक है, इसकी मुझे कलर वैल्यू जाननी हो तो आप इसको कलर वैल्यू भी इसकी जान सकते हो। जब हम नीचे की तरफ आएंगे तो देखेंगे आप इसमें जो ग्रीन कलर है आपको हेक्स कलर मिलेगा, आरजीबी कलर मिलेगा, और आपको सीएमवाई के कलर भी इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आप मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपको देखिए सब चीज़ों के कलर्स के आपको वेरिएशन मिलेंगे। अगर आप फ्लैग बना रहे हैं, फ्लैग कलर, ब्रांड्स, वेब डिज़ाइनर हैं तो वेब डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनर, कैसे कैसे कलर हमें यूज़ करने चाहिए ग्राफिक डिज़ाइनिंग में, इंटीरियर डिज़ाइनर हैं तो इमेज कलर्स, रेनबो, ब्राइट, पेस्टल, और इसमें जो मेटेलिक जो कलर होता है वो स्किन टोन भी, अगर आप इलस्ट्रेशन कर रहे हैं किसी चीज़ में तो स्किन टोन भी आप उसमें कलर को देख सकते हैं फॉर एग्जाम्पल। और ये जो आपको ऊपर जो छोटे छोटे सर्कल्स में जो गोले दिख रहे हैं, ये बहुत पावरफुल टूल है। जैसे कि अब आपने मान लीजिए अपने ब्रांड्स में ऑरेंज कलर यूज़ किया, अब हमें प्रॉब्लम ये आती है कि हमें ऑरेंज कलर के साथ कौन कौन सा कलर जो है बेस्ट रहेगा, और कौन कौन सा कलर हमें उसको उसके साथ यूज़ करना चाहिए। जब आप ऑरेंज पे क्लिक करते हो तो यहाँ आपको ऑरेंज के साथ उसके वेरिएशन मिलते हैं कि आप ऑरेंज के साथ कौन कौन से कलर को यूज़ कर सकते हो। तो फ्रेंड देखो, आप जो भी ये कलर हैं इसमें ऑरेंज कहीं ना कहीं टच है, जैसे आपने देखा इसमें ऑरेंज है तो उसके संग कौन कौन से कलर के शेड्स आप यूज़ कर सकते हो, ऑरेंज है ऑरेंज के अगर लाइट शेड्स है तो उसके लाइट्स के कोई सा भी जो लाइट शेड है उसको आप कैसे उसको यूज़ कर सकते हो। और इसमें एक ही नहीं कई सारे वेरिएशन हैं, देखिए आप नेक्स्ट पेज भी करोगे तब ऑरेंज ही कलर है। फॉर एग्जांपल अगर मैं दोबारा से उस पे जाता हूँ और अब मुझे करना है कि ये जो ब्लू है मेरे, अगर मैंने कोई ब्लू कलर चूज़ किया अपने डिज़ाइनिंग के लिए, तो ब्लू कलर के साथ में कौन कौन से और कलर उसमें डिज़ाइन में यूज़ कर सकता हूँ, तो आप उस पर क्लिक करेंगे आपको बेस्ट कलर कॉम्बिनेशन आपको विजिबल कराता है। ठीक है, आप किसी भी कलर पर ऐसे क्लिक कर और उसके सारे जो RGB कोड्स हैं, CMYK कोड्स हैं, ये सारी चीज़ें देखिए आप उसको देख सकते हो। फ्रेंड ये थी आज की वीडियो, आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।